तो एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल आ चुका है, राजस्थान का भी एग्जिट पोल आ गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एग्जिट पोल पर कमलनाथ का बयान सामने आया। उनका कहना है कि एग्जिट पोल से झूठा माहौल बनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, 3 दिसंबर का इंतजार करें। और कमलनाथ ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। आ जाए, भाजपा चुनाव हार चुकी है, कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये पर्यंत कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है।